अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज यहाँ पर रोज़ा पोल्यूशन में हमारे तमाम जीडीएस के सीनियर लीडर्स, एक्स कॉरपोरेटर, एक्स चेयरमैन और हमारे नॉर्थ के वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ पर आने का मकसद जो है, दो दिन पहले जो राजा सिंह जो हमारे नबी जो हमारे हुजूर के बारे में जो गलत बात करा है उसके बारे में यहाँ पर एक कंप्लीट FIR कराना बोल के सुबह कमिश्नर साहब के पास भी गए थे और यहाँ पर आके हम एक FIR करो बोल के सर्कल साहब को बोले, इंशाल्लाह उन्होंने करते हैं बोल के हमारे को आश्वासन दिए, हमको उम्मीद है इंशाल्लाह इन्हों करेंगे। आज जो है BJP सरकार जो है अपने जो भी नाकामियाँ हैं, ये लोग पीस ख़राब करना इंडिया के अंदर, जो पीस ख़राब करना एक चार छः महीने में हर कोई जो है ये लूज टॉकिंग करना, हमारे दीन के मज़हब के बारे में बात करने का मकसद इनका ये है कि भाई इनके जो गलत कारनामे हैं ये लोग अपने गलत कामों को छुपाने के वास्ते जो अच्छी सोच रखते हैं, ऐसा नहीं कि भाई हिंदू समाज में अच्छी सोच रखने वाले नहीं है बोल के, नहीं, उन्होंने भी अच्छी समाज में अच्छी सोच रखने वाले, ये कुछ 2-3% लोग हैं जो अपन समाज को उनके ख़राब कर रहे हैं। मैं तमाम हर मज़हब के लोगों से अपील करता हूँ कि भाई आप ऐसे लोगों के वास्ते यहाँ पर कास्ट और कम्युनिटी को मत देखिए, आप पूरे लोग, हम तमाम जितनी अच्छी सोच सेकुलर सोच रखने वाले हैं, ये हमारे देश को बचाने का काम करने का ये आज टाइम है, इसीलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ सब लोग आगे आके ऐसे लोगों के बारे में स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए और कानूनन इनको क्या है छोटे मोटे एक्ट डालने से ये लोगों को कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अब तक 50 केस उनके ऊपर हो चुके हैं। मैं आंध्रा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इनको तड़ी पार करना चाहिए और इनको देशद्रोही का केस डालना चाहिए, क्योंकि अमन खराब जो आदमी करता है, ये गद्दार जो देश का गद्दार रहता है उन्हें अमन खराब करता है। अगर वो देश के बारे में अच्छा सोचने वाला इंसान रहता तो अमन खराब करने का काम, कोई मजहब को टारगेट करने का काम नहीं करता। तो वहाँ पर हैदराबाद की जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको आगे आना चाहिए और उसको तड़ी पार करना चाहिए, गुंडा एक्ट डालना चाहिए, क्योंकि इनका देशद्रोही का केस इसलिए डालना चाहिए कि भाई हमारे देश के अंदर, इन इंडिया के अंदर एक कम्युनलिज्म कर रहा है, कास्टिज्म कर रहा है, इससे दंगे होने के चांसेस रहते हैं, इनको दंगा भड़काने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को लगाम कौन करना होता है? ये BJP सरकार आगे आना और आगे आंध्रा स्टेट की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उनको आगे आना चाहिए। आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उसको रातें रात पकड़ते हैं कि भाई 1-2 दिन में उन रिलीज होता है, फिर उन जाके हाथ आकड़ा के थरता है, तो ये बहुत शर्म की बात है। वहाँ पर बहुत तेलंगाना गवर्नमेंट से जो है मेरी अपील है कि भाई आप जो है आगे आइए, उसको नॉन मिलेबल केस डाल के इमीडिएट इसको अरेस्ट करिए, वरना आने वाले दिनों में इसके बारे में हमारे नासिर उस्ताद साहब की क़यादत में हम ये बहुत बड़ा यहाँ पर एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे बोल के आपकी मीडिया के थ्रू बोलना चाहते हैं। गुलबर्गा शहर में पिछले 2 दिन से हैदराबाद के अंदर BJP का MLA जो राजा सिंह नाम का MLA है, उसके खिलाफ शहर हिंदुस्तान के अंदर, हैदराबाद में नहीं क्योंकि शहर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में गुस्सा रोडों पर आकर निकल कर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ज़िले के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आज मुसलमानों को एक तकलीफ़ हुई है। उसी के खिलाफ गुलबर्गा शहर के अंदर रोज़ा लिमिट के अंदर आज सुबह में कश्मीर पुलिस कमिश्नर को भी एक मेमोरेंडम दिया गया है FIR करने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद की जानिब से, और यहाँ पर हमारे रोज़ा लिमिट के अंदर जनाब CPI हमारे सदाशिव साहब को, यहाँ पर हमारी JDS टीम और गुलबर्गा शहर की आवाम से हम कहना चाहते हैं कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस को कैसे कि चौक में एक FIR हो चुका है, इंशाल्लाह यहाँ पे कोशिश करके इंशाल्लाह हमारे सर्कल साहब भी इसको कमिश्नर साहब को भिजाएंगे। और मैं गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ कि ऐसे गंदे नाली के कीड़े को गुलबर्गा शहर के अंदर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी गुलबर्गा आ चुका है, आकर जा चुका है, ऐसे MLA को गुलबर्गा शहर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। गुलबर्गा रोज़ा पुलिस स्टेशन से मैं अपील करता हूं कि गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को गुलबर्गे में आने भी नहीं देना चाहिए, और इसके ऊपर ये तो एक छोटा मोटा केस करके वो लोग पुलिस स्टेशन केस भी हो गया, उसकी बेल भी हो गई, कानून का मजाक बना चुके हैं ये लोग, ऐसे लोगों के ऊपर UAP 1 लगाना चाहिए। जितने कानून आते हैं कानून के हिसाब से, इसे बाहर नहीं आने के हिसाब से, वो हिसाब से इसे डालना चाहिए। इसे मैं तो कहता हूँ इसे रौडी शीट इसकी तड़ी पार भी करना चाहिए। एक MLA होने के बावजूद जो संविधान में लिखा गया है कि खसम खाता है, वो MLA बनने के बाद उसको सर्टिफिकेट दी जाती है, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट को उसके ऊपर तड़ी पार, उसके ऊपर रौडी शीट, MOB जितने कानून है हमारे कानून के अंदर, उसके ऊपर उसको पूरे कानून के ऊपर उसके डालना चाहिए। उसको हैदराबाद के अंदर तो दो दिन से देखा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद की रिपोर्ट चल रही है कि हैदराबाद में ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो मैं गुलबर्गे के आवाम से कहना चाहता हूँ, इंशाल्लाह पूरे गुलबर्गे के आवाम भी, यहाँ पर पीस है, यहाँ पर पीस ही रहेगा, और गुलबर्गा के पुलिस डिपार्टमेंट भी हमेशा हमारे साथ देती है, हमेशा हमें हर काम में आगे आगे आती है पुलिस डिपार्टमेंट। इंशाल्लाह जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम इसके अंदर कोर्ट से हम करेंगे इसको, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसको यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, और जहाँ तक हम कर सकते हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे, जो भी कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे।